बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। राज श्यामा जी राज श्यामा जी बोल, राज श्यामा जी राज श्यामा जी राज श्यामा जी बोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, राज श्यामा जी राज श्यामा जी राज श्यामा जी बोल, राज श्यामा जी राज श्यामा जी राज श्यामा जी बोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, अंत समय में कोई तेरे काम ना आएगा, जो मोह तोड़ के राज श्यामा जी बोल, झूठे जग से मोह तोड़ के राज श्यामा जी बोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर कृपा दिखाएंगे, प्राणनाथ जी को हर पल तेरी याद दिलाएंगे, ममता मई श्री बायजू राज कृपा दिखाएंगे, प्राणा जी को हर पल तेरी याद दिलाएंगे, भक्ति मिल जाएगी जग में राज श्यामा जी बोल, भक्ति मिल जाएगी जग में राज श्यामा जी बोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाओगे, जन्म मरण के बंधनों से तुम बच जाओगे, जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाओगे, जन्म मरण के बंधनों से तुम बच जाओगे, सार यही है इस जीवन का राज श्यामा जी बोल, सार यही है इस जीवन का राज श्यामा जी बोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, राज श्यामा जी राज श्यामा जी राज श्यामा जी बोल, राज श्यामा जी राज श्यामा जी राज श्यामा जी बोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे अंतर के पट खोल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रद्धा सुमन धर्म प्राण सुंदर साजी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, अंतर के पट खोल यही इस भजन का भाव है, क्योंकि जब तक उस अंतरात्मा के आड़े कई सारे पर्दे लगे हुए हैं, वहां तक कि हम अपनी मूल वास्तविकता की पहचान न करने के कारण से इस दुखदायी संसार के अंदर में
ऐसे उलझते रहते, ऐसे फंसते रहते हैं, और यहाँ की तमाम दुख उलझने आदि ये हमको इस प्रकार से घेर लेती हैं कि परब्रह्म कौन है, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, इसके विषय में सोचने विचार करने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती। ऐसे में जब हम श्री राज श्यामा जी का, श्री राधे कृष्ण जी का नाम उच्चारण करते हैं, उस नाम के अंदर ही इतनी शक्ति भरी हुई है कि उस नाम के कारण ही हमें लगता है कि हमें सहारा मिल गया। उस नाम के कारण ही लगता है कि पियाजी धनी जी युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी नित्य निरंतर रूप से हमारे साथ ही साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए चिंता और व्यथा के समय चिंता ऐसी डंकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए। वो चिंता जो होती है लेकिन उस समय में वैद्य की दी हुई दवा से भी अधिक असरदार कहें, तो हमारे इष्ट श्री राज श्यामा जी का नाम उच्चारण है, नाम का जाप जपना है, क्योंकि इस नाम के अंदर ऐसी शक्ति मिलती है कि उस मुसीबत का सामना करने के लिए हम साहस जुटा पाते हैं। इस प्रकार से हे सुंदर साथ जी, जब धाम धनी का नाम उच्चारण करते हैं श्री बाइजराज महारानी के ममतामयी सानिध्य को जब पाते हैं, एवं धनी श्री प्राणनाथ जी के अत्यंत उत्तम दया कृपा मेहर के वारिसदार जब हम बनते हैं, तब इस हृदय के अंदर एक अलग सुकून मिलता है, एक अलग शांति मिलती है, और एक समर्पण का भाव हमारे अंदर में जागृत होता है। इस प्रकार हे साथ जी, लेट अस सरेंडर अनकंडीशनली एट द फीट ऑफ श्री राज श्यामा जी, और यही इस जीवन का, इस भजन का और हमारी इस भक्तिमय साधना का सार है। और इस सार को लेते हुए आइए प्यारे सुंदर साथ जी, आज की मज़ल का शुभारंभ श्री राज श्यामा जी के वंदना के साथ में हम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम नागो दो चरण को धनी न छुड़ाई ओक्षिणा, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों मीर नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए, सभी सुंदर साथ जी को भावपूर्ण प्रेम प्रणाम करते हुए, आइए साथ जी आज की मज़ल का शुभारंभ करते हैं। बादल रूह अल्लाह का बरस्या वतनी नूर,
अरस बक्का का नासूत में हुआ सब जहूर, हुआ सब जहूर। जब थे दुनी पैदा हुई अब लग थे अव्वल, बक्का पट किने न खोलिया कई गए ब्रह्मांड चल। साथ जी श्री इंद्रावती सखी जो कि बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ में हमारी बुद्धि को जागृत करते हुए श्री सतगुरु स्वरूप के महत्व को, तारतम महामंत्र के महत्व को, इस ब्रह्मवाणी के महत्व को दर्शाती है। बादल और अरस परम धाम के नूर की जिस प्रकार से वर्षा होती है, इस नासूत के बीच में, इस नश्वर ब्रह्मांड के बीच में, इसे बड़ी सुंदरता पूर्वक उन्होंने समझाया। अब इससे आगे ले जा करके जब सुंदर सात को यह समझा दिया कि रूह अल्लाह के हृदय रूपी बादल से तारतम ज्ञान की नूरमय वर्षा यहाँ पर हो रही है, इसके उपरांत श्री इंद्रावती सखी अब हमें यह परिचित कराती हैं कि क्या आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर, इस मोह सागर के अंदर ऐसी वर्षा कभी पहले हुई थी? क्या इस ज्ञान का अवतरण पहले कभी हुआ था, या फिर ये पहली बार है, ये प्रथम बार है कि हम आप इस वर्षा को अनुभव कर रहे हैं और ऐसे सद्भागी बने हैं, ऐसे अहोभाग्यशाली बने हैं कि रूह अल्लाह के हृदय से वर्षा हो रहे तारतम ज्ञान के अंदर हम जीलना कर पा रहे हैं। इसी संदर्भ में इंद्रावती सखी ने कहा कि आज लो, आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर, अर्थात जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, जब से इस संसार का निर्माण किया गया है, बक्का पट किने न खोलिया। आप शास्त्रों के अंदर की बातों को अगर ठहराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इतिहास गवाह है कि किसी भी शास्त्र पुराण के अंदर ये जो सारे आत्म के आड़े लगे हुए पर्दे हैं, इन पर्दों को किन न खोलिया, किसी ने नहीं खोला है। अगर किसी ने खोला होता तो वे अखंड को क्या नहीं पा लेते? मगर अखंड को तो पा नहीं सके, जो जो भी उनको मिलता गया अपने अपने लक्ष्य को उन्होंने सर्वोपरि कह दिया, परात्पर का लक्ष्य बता दिया। अखंड बक्का तक पहुंच नहीं सके क्योंकि अखंड बक्का तक पहुंचने के लिए कई सारे जो पट आते, पर्दे पड़ते हैं, उनको खोलने का ज्ञान ही उनके पास नहीं था, उनको खोलने के लिए चाबी ही उनके पास में न थी। कई गए ब्रह्मांड चल। साथ जी इस बात के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए, यहां पर एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है। जिस ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर हम इस ब्रह्मांड के अंदर में आए हुए हैं, केवल इसी ब्रह्मांड की बात नहीं की जा रही है। कई हुए ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे नारायणी सृष्टि की भांति कई अनेकानेक और ब्रह्मांडों की रचना भी की गई है, जो कि सृष्टि कर्ता अक्षर ब्रह्म के द्वारा की गई है। ऐसे अक्षर ब्रह्म ने कई ब्रह्मांडों की रचना की, परंतु क्या किसी में भी तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ? क्या किसी में भी रूह अल्लाह इस धाम के घन को लेकर के प्रकट करती है? सुंदर साह जी, ये किसी भी अन्य ब्रह्मांड में नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड तो असंख्य है, संख्यातीत है। जिस तरह से सागर के अंदर कितनी बूंदे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। वनस्पतियों के ऊपर कितने पत्ते लगे हैं, इसकी गिनती नहीं हो सकती।
और जैसे धरती के ऊपर कितने त्रस रेणु हैं, इनकी गणना भी नहीं की जा सकती, किंतु विज्ञान बड़ा ही आगे बढ़ रहा है। और विज्ञान से अगर कोई मेथड निकाल भी दिया जाए तो शायद किसी तरह से इन चीजों का निर्णय गणना हो सकती है। लेकिन पांचवें क्षर समष्टि मोहमाया शून्य के अंदर है, ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड आए हुए हैं, प्रकट किए गए हैं, इनकी गणना कदापि नहीं हो सकती, दे आर इनफिनिट। लेकिन इन सारे ब्रह्मांडों के मध्य में यही एक ब्रह्मांड हिरण्यमय गर्भ का, जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण हुआ, जिसके अंदर रूह अल्लाह श्री श्यामा जी महारानी का आगमन हुआ, इसी को सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ पर तारतम ज्ञान की नुरमय वर्षा हो और सब कोई इसका लाभ ले सके। अव्वल पैदा हुए के दुने हो जात फना। अब देखिए इसके आगे और समझाते हैं कि अव्वल यानी इससे पूर्व में जो जितनी भी दुनिया सृष्टि इत्यादि का निर्माण अक्षर ब्रह्म किया करते थे वो क्या हो जाते थे? पैदा जैसे होते थे वैसे फना भी हो जाते थे। They were created and dissolved, created and dissolved, यही क्रम चलता रहता था, पैदा फना पैदा फना। तिल में कछुए ना रहे, तारतम ज्ञान इलम से इंद्रावती सखी कहती हैं, उन सारे ब्रह्मांडों के अंदर कछु ना रहे, कोई भी चीज अवशेष नहीं रहती। पांच तत्व तीन गुण आदि से अथवा चाहे जिन गुण इत्यादि से उसका निर्माण किया गया हो, अपने गुण समेत जड़ मूल से उस सारे ब्रह्मांड फना हो जाते थे। ज्यों उड़ जात सुपना। साथ को समझाने के लिए इंद्रावती सखी ने यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिस तरह आप भी ये अनुभव करते हैं कि रात्रिकालीन स्वप्न आता है, जब वह स्वप्न टूट जाता है तो स्वप्न के अंदर आपने कई सारी चीजों को देखा होगा, कई लोग उसके अंदर होंगे, लेकिन जैसे ही निद्रा टूट जाती है वैसे ही उस स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से इससे पूर्व चाहे जितने ब्रह्मांडों की रचना अक्षर ब्रह्म सृष्टि रचयिता ने की होगी, परंतु वो सारे ब्रह्मांड एक खेल की भांति रच करके मिटा दिए गए। वैसे ही जैसे निद्रा से जागने के बाद हमारे स्वप्न की कोई वस्तु जागृत में नहीं आती है, इसी तरह सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड क्षण में देखे पल में मिटावे, ये उनकी बाल लीला है। ऐसे खेल कई हुए सो फना ही हो जाता। इंद्रावती सखी कहती है कि ऐसा न समझिए कि ये एकमात्र सृष्टि है, ये सृष्टि की भांति ऐसे ऐसे अनेकानेक सृष्टि इसी के साथ बनी हुई है, और इस सृष्टि से पूर्व भी ऐसी ऐसी अनेकानेक सृष्टियां अक्षर ब्रह्म रूपी बाजीगर के द्वारा बनाई भी गई और मिटाई भी गई, सो फना ही हो जाता है, दे कंप्लीटली पेरिश, उसमें से कुछ भी शेष नहीं रहता, समय काल के अधीन होते हैं। जैसे श्री प्रार्थना जी करते हैं, क्षण में देख के पल में मिटा, अक्षर ब्रह्म वे एक ऐसे महान शक्तिशाली पुरुष हैं जिनके उन्मेष निमेष के अंदर ही ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और नाश हो जाते हैं उनकी कल्पना के अंदर में। ऐसे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को कौन उनके बनाए हुए ब्रह्मांडों का निर्णय करे
कि कितनी संख्या में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की है। एक जरा बाकी ना रहे कोई करे ना बक्का की बात, इंद्रावती सखी हमें समझा रही है इलम के द्वारा। सुंदर साजी इस बात को समझिए कि उन्होंने अनेकानेक ब्रह्मांड बनाए मिटाए, उनमें से क्या एक जरा सा तिनका भी बचा है? ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब इसके विपरीत इस ब्रह्मांड के अंदर की बात आगे की चौपाई में रखते हैं। जहां इससे पूर्व के ब्रह्मांड जो पूरी तरह फना हो जाते हैं, कोई भी उन ब्रह्मांडों के अंदर अखंड की बका की बात जानते ही नहीं, करते ही नहीं, रूह अल्लाह का उसमें अवतरण होता ही नहीं, ब्रह्म आत्माओं का अवतरण उसमें होता ही नहीं। दौड़े कई पैगंबर कई तीर्थंकर अवतार। यहां इस ब्रह्मांड की भी बात करें तो यहां कई पैगंबर अर्थात पैगाम ले आने वाले, गिनती के अनुसार 1,25,000 पैगंबर कहे जाते हैं। ऋषि महर्षियों की गणना 88,000 बताई जाती है। इन सभी का जो जीवन है वो इसीलिए प्रेरित था, दे वर डेडिकेटेड ओनली फॉर वन पर्पस। वो क्या था? कि इस जीवन के अंदर परब्रह्म की खोज की जाए, उस परम तत्व की खोज की जाए। इसीलिए भांति भांति से शास्त्र पुराण इत्यादि का उन्होंने अध्ययन किया, जीवन गाल दिया उन परब्रह्म की खोज करने के लिए। शास्त्र साक्षी दे रहे हैं, किंतु साथ जी ऐसे ऐसे कई सारे पैगंबर हुए, कई सारे तीर्थंकर और अवतारी पुरुष भी यहाँ हुए। मुख्य रूप से अवतारी पुरुष वैकुंठ धाम सतलोक से आते हैं। त्रिदेव जो हैं, वे अपने अपने भक्तों के लिए हर चतुर्युगी के अंदर 24-24 अवतार धारण करके आते हैं, विभिन्न कार्य को यहाँ पर पूर्ण करने के लिए। ये सारे पुरुष जो यहाँ पर अवतरित हुए, क्या उन्होंने खोज मेहनत तपस नहीं किया था? श्री इंद्रावती कहती है, दौड़े कई पैगंबर, कई दौड़ लगाई उन्होंने भी, कई प्रयास किए उस परम तत्व को जानने के लिए। अव्वल से आखर लगा कि न खोलिया न बक्का द्वार, मगर अखंड के दरवाजे को खोलने का जो उनका प्रयास था उसमें वे सफल नहीं हुए। कारण श्री प्राणनाथ जी पहले ही बता चुके हमें चौपाइयों के द्वारा कि मोहजल के जीव मोहजल का उल्लंघन करके नहीं जा सकते हैं। जब कोई मोहजल के परे से आकर के परे की खबर लाते हैं तो मोहजल के अंदर मिलती है, लेकिन मोहसागर के जीव मोहसागर का उल्लंघन करके कदापि जा नहीं सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ जितने मैसेंजर्स हुए हैं, जितने भी ऋषि महर्षि ये सब कोई हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी खोज और तपस तो बहुत अच्छे से की, लेकिन पहुंच नहीं थी कि बका का दरवाजा खोल सकें। साथ जी इस बका के दरवाजे को, इस अखंड धाम के दरवाजे को किसने खोला? इलम हमें ये बता रहा है, इंद्रावती सखी हमें यह बता रही है, 14 तबकों बक्का का कोई बोलिया न एक हरफ। इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर बक्का अखंड के विषय की बात और उस अखंड के विषय की बात के अंदर क्या क्या आता है? हद से परे बेहद आता है, बेहद से परे अक्षर ब्रह्म का अक्षर धाम भी आता है, अक्षर से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम भी इसी में आता है। ये जो सब इलाका है बेहद के अंदर ही है, राजधानी के रूप में परम धाम 25 पक्ष है।
किंतु यहाँ चौदलोक ब्रह्मांड के अंदर के जीव की पहुंच ही नहीं है कि वे हद को उल्लंघन करें, बेहद में प्रवेश हो, बेहद के चतुष्पाद का उल्लंघन करें, उससे परे जाएं और अक्षर ब्रह्म तक पहुंचे, उससे परे जाने की तो बात ही दूर है। इसीलिए बिना पहुंच, बिना हुक्म के कोई भी उस परम धाम की बात को ला ही नहीं सके हैं। कोई बोलिया ना एक हरफ, ज्यादा तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु एक हरफ मात्र में तो कोई कहते, वो एक हरफ भी वर्णन करने के लिए किसी ने नहीं कहा। तो एक क्यों पावे हक्का सूरत। अब श्री इंद्रावती सखी धामस्त सुंदर साथ को यह कहती है, हमें यह तारतम के द्वारा हक की सूरत, श्री राजी महाराज की सूरत अर्थात स्वरूप की प्राप्ति हुई। हक की सूरत को हमने कैसे जाना कि ये उत्तम पुरुष है, परब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है। ये अपने उस दिव्य अक्षरातीत परम धाम के अंदर विराजमान है। इस बात को अगर हमने जाना है तो साथ जी हमने बिना इलम, बिना तारतम, बिना रूह अल्लाह के नहीं जाना है। इसी बात को समझा रहे हैं इंद्रावती सखी। बिना तारतम और बिना रूह अल्लाह के सानिध्य किसी ने भी उस परम धाम की बात को नहीं जाना। हक श्री राजी महाराज का स्वरूप कैसा है आज जो हम वर्णन माध्यम से कहते हैं, स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल। ये जो सारा विवरण करते हैं श्री राज श्री ठकुराणी जी प्रथम भूम में विराजमान है। ये जो सारा वर्णन हम कर पाते, समझ पाते, ज्ञान से साक्षात्कार जिसका कर पाते हैं, ये सब कुछ रूह अल्लाह के दिए हुए प्रदत्त किए हुए तारतम ज्ञान की बदौलत है। All the credit goes to रूह अल्लाह। इसके बिना किन पाई न बक्का तरफ। अब श्री इंद्रावती कहती हैं कि हक की सूरत को तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर से भी दूर है। चौदह लोक के जीवों के अंदर तो ये क्षमता ही नहीं है। They do not have the capacity to even know the direction of परम धाम। सिर्फ बक्का की तरफ को जानने का इतना भी बुता, इतनी भी शक्ति उनके अंदर नहीं है। सब यही कहते हैं अखंड कहाँ है, परम धाम कहाँ है, ऊपर की दिशा में है। ये ऊपर कहने भर का है, ये ऊपर ऊपर नहीं है। ऊपर कहने का जो असली भाव है वो परे है। वेरिस परम धाम, परम धाम इज ट्रांसेंडेंट टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड। अब इस नश्वर ब्रह्मांड के किसी भी दिशा से बाहर जाइए, परे जाइए, तो परम धाम ही है। महज ऊपर की दिशा में नहीं है। किंतु यही बात कि बक्का किस तरफ आया हुआ है, कौन सी दिशा में आया हुआ है, इसे कोई भी पकड़ नहीं सके, क्योंकि सभी यह सोचते रहे सतलोक ही सर्वश्रेष्ठ है। जो उससे परे गए निराकार तक जा सके, मुहतत्व को श्रेष्ठ बताया। संसार के अंदर ही उन्होंने कई स्थानों को पकड़ लिया और अपने अपने धाम को श्रेष्ठतम बता दिया। क्योंकि बक्का अखंड किस दिशा में आया है वो दिशा भी सूचित नहीं हुई उनको। जो हक पैदा हुए नासूत में तो होए सबे हयात। हे साथ जी, हक परम सत्य, ये परम सत्य अगर इस नासूत के बीच में
प्रकट होते हैं। अगर उनका प्राकट्य संसार के बीच में हुआ तो यहाँ की कोई चीज भी नश्वर नहीं रहेगी, सब होत हयात, वो सब उनके ही पावर के कारण, उनके ही सत के कारण से हयात हो जाएगी, अखंड हो जाएगी, क्योंकि हक का श्री राज्य है। अगर उनका प्राकट्य झूठे संसार में होगा तो यहाँ की कोई भी वस्तु नाश्वंत नहीं रहेगी, वो अखंड में परिणत हो जाएगी। इलम अपना देय के, इसी वास्ते श्री राजी महाराज ने इलम को माध्यम बना दिया। सभी को हयात तो करना है, इससे पहले की सारी सृष्टिया नाश होती रही, किंतु क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म आत्माओं के लिए इसको अखंड करना है, ब्रह्म आत्माओं का अवतरण यहाँ हुआ है, इसीलिए अपने रूहों के वास्ते अपनी लीला को अखंड करने के हेतु से श्री राजी महाराज ने अपने इस बेशक इलम को, इस तारतम ज्ञान को यहाँ पर भेज दिया। करें जाहिर बक्का विसात, अखंड है बक्का और बक्का की विसात यानी कि सामग्रियां, द एंटायर पेरिफेरनिलिया ऑफ परम धाम हैज बीन रिवील्ड इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड, वो सब कुछ यहां पर जाहिर हुआ है इलम के द्वारा। साथ जी, अगर ये इलम ही नहीं आया होता तो बक्का अखंड की तरफ कहाँ है, उसकी पहचान नहीं होती। अगर ये इलम आया नहीं होता तो हक सूरत की पहचान नहीं होती। श्री परम धाम के अंदर की यावत जो सामग्रियां हैं, विसात है सामग्रियां हैं, इनके विषय का तनिक मात्र भी ज्ञान इस संसार में होता ही नहीं। इसलिए इंद्रावती सखी ने पहले ही कहा कि बादल रूह अल्लाह का बरस्या वतनी नूर, अरस बका का नासूत में हुआ है जहूर। ये जो सारा प्रकाश जहूर यहाँ पर फैला वो एकमात्र है कि रूह अल्लाह की देन है, श्री राजीव के हुकुम से रूह अल्लाह का पदार्पण प्रकटीकरण यह संसार के बीच हुआ। धनी के हुक्म इच्छा के द्वारा ही ये इलम को यहाँ भेजा गया। If we are able to appreciate the depth of these chopais, we will know the importance of इलम। अगर हमने इन चौपाइयों की गहराई को नापा होगा आज, तो हमें ये समझ जरूर आएगी कि धाम धनी ने भेजी हुई इस इलम का, इस बेशक इलम का, इस नुक्ता इलम का क्या महत्व है। हमारे जीवन को उजागर करने के लिए, हमारे मन के अंदर परमधाम का बीज बोने के लिए, हृदय के अंदर धाम का इश्क उतारने के लिए इलम आया है सुंदर साहब जी। इलम के एक हरफ को भी लिया या अर्धलवे तारु कारज सरे, अर्धलव मात्र को भी श्रद्धा विश्वास से जो ग्रहण करे और सदैव उसे ग्रहण करके चले, उसका कार्य भी इलम सार्थक कर देता है। ये शक्ति है इस बेशक इलम के अंदर में। इंद्रावती सखी, इन तमाम चौपाइयों के द्वारा सार रूप में हमसे ये कहती हैं कि हे सात जी, ऐसे ब्रह्मांड तो कई बने कई मिटे, कई बने कई मिटे, बनाने वाले वे हैं कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, किंतु किसी ब्रह्मांड के अंदर ये बक्का की तरफ किसी ने नहीं पाई। श्री राजी महाराज के हुक्म से इस ब्रह्मांड को भी अखंड करना है। यहाँ के जड़ हो या चेतन पदार्थ हो, सभी को अखंड के अंदर पहुंचाने के लिए ही इलम को भेजा गया। इलम से रूहों को शक्ति मिलती है, रूहें अन्य को जगाती हैं,
ब्रह्मलीला का प्रेम अन्य में भरती हैं और इसी के द्वारा यहाँ के तमाम जो चेतनात्माएं हैं वो इस तारतम ज्ञान के तले जब आते हैं तो उन्हें भी इसी ब्रह्मलीला के ईशक की अनुभूति होती है। इसी प्रेम को लेकर के हे सुंदर साथ जी, इस सारी सृष्टि का कल्याण होना है। इसीलिए ये इलम का मकसद क्या है? इलम का मकसद ईशक तक पहुंचाना है। ईशक हमें धनी श्रीराज श्यामा जी के नाम में केंद्रित करता है। इसीलिए आज हमने शुरुआती भजन के अंदर यह श्रवण किया कि इस जीवन का सार यही है, राज श्यामा जी बोल। इलम तो प्रकाश को फैला रहा है, इलम को आत्मसात करना है, मगर इलम का प्रतिफल स्वरूप धनी का प्रदान किया हुआ इशक है। इस इशक को लेकर के इस राज श्यामा जी नाम को, श्री राधे कृष्ण नाम को जो भी जपते हैं, हृदय में धारण करते हैं, उनका जीवन सार्थक है, धन्य धन्य है, सुफल है, कृतकृत्य है। तो हे साथ जी, ऐसे सुअवसर के अंदर हम सभी अवतरित हुए हैं और इस सुअवसर के अंदर श्री सतगुरु श्री प्राणनाथ जी के प्रदत्त किए हुए इस तारतम ज्ञान बेशक इलम का लाभ लेना है, धनी के नाम का लाभ लेना है। इसीलिए कहा, धनी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे से पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब तक इस शरीर के अंदर में प्राण है, इसी नाम का लाभ लेते हुए धनी से जुड़ करके उन्हीं के नाम से शक्ति को पाते हुए हमें इस जीवन को भी जीना है और इस जीवन के उपरांत धनी श्री राज्य के चरण कमल को ही प्राप्त करना है। यही उद्देश्य हम रखते हैं और इसी के साथ आज की वाणी चर्चा मजल को यही पर हम विराम देते हैं। सो इलम रुह जो हक पैदा होए ना सूत में तो होए सबे हयात। इलम अपना देय के करें जाहिर बक्का विसात, करें जाहिर बक्का विसात। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।